अभिमन, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारा असाइनमेंट, जो कि हमारे इग्नू में जो जनवरी के सेशन में बेसिकली दिया जाता है असाइनमेंट। तो ये हमारा जो असाइनमेंट है वो हमारा सारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। बीएससी का ये टॉपिक है और इसमें सारे यूनिट से हर क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये पहले तो पैटर्न देख सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको करना है, कैसे क्रिएटिव करके अच्छे से अपने असाइनमेंट को क्रिएट करना है, लाइक मार्जिन ड्रॉ करना है। आप कलर पेन भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक स्केच भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा असाइनमेंट है उसमें हमको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक चीज और है कि ये सारे क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करते हैं वो सारे हमारी अलग अलग यूनिट का पार्ट होते हैं। तो ये हमारा जो असाइनमेंट है वो बेसिकली हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर है, हमें पता है ये कौन सा है। ये साइड में हमें असाइनमेंट कोड दिया गया है और उसके बाद ये इसके मार्क्स दिए हैं, जो टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ए में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा है, जैसे गेगार मार्टसन, हमारी जो एक वीडियो थी जिसमें मैंने ये डिस्कस भी किया है कि गेगार एंड मार्टसन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इसमें आपको उसका ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को बताना है, और एक डायग्राम भी था मैंने उसको आपको शो किया था, अगर आप पुरानी वीडियो में जाके देखेंगे तो वो आपको कैसे करना है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसमें आपको आइंस्टीन का क्या रोल है ये एक्सप्लेन करना है। नाउ थर्ड आप देख सकते हैं, इसमें ई फंक्शन है और ई वैल्यूज है। ये हमारे सारे यूनिट से मिला के क्वेश्चन है, तो कुछ आपको थोड़े नए लगेंगे बट बाकी के जितने भी हैं वो सारे आपके पढ़े हुए हैं। फिर आपको वेल लेवल फंक्शन, बिहेव फंक्शन पूछा गया है, इसका एक डायग्राम आपको बनाना होगा, जो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर आपसे फोर क्वांटम नंबर की मैंने बात करी थी, एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब की मैंने बात की थी, तो उसमें आपको ये सब भी बनाने हैं। कुछ हमारे ये जैसे स्ट्रक्चर्स आप लाइन से क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि हमारा इनेंशियोमर्स क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स क्या है, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स कैसे है, ये सारी रिएक्शंस करनी है। कुछ हाइड्रोजिलेशन ऑफ एन वो एल्काइन से जिसका मैकेनिज्म पूछा गया है 5 मार्क्स का, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो ये सबके जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, वो सबके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन करना है, जैसे मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर को अटेम्प्ट करना है। जैसे हमारा पहले क्वेश्चन है गिगार मार्टिन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको डायग्राम बताना है, इसके बारे में थोड़ा बताना है। अगर ये 2 to 3 मार्क्स का है तो आप इसको अच्छे से इलेबरेट करेंगे तो अच्छा, बट ये जो डायग्राम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बनाने के ही मार्क्स होते हैं इसमें, तो ये जरूर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें हम प्लम पुडिंग मॉडल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारा जो कंटेंट है ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका डायग्राम शो कर रहा है, तो इसको भी आप बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी आपको नोट्स आपने खुद के प्रिपेयर किए हमारी प्रीवियस वीडियो से वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिकली जिसमें डायग्राम बोले गए हैं उन क्वेश्चन में डायग्राम बनाने जरूरी है। आगे देखते हैं हम, बहुत से क्वेश्चन है जैसे कि हमारा अभी हम लोगों ने देखा था हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन्स, तो उसका आपको उसका मैकेनिज्म शो करना है, कैसे उसका मैकेनिज्म होगा, तो ये सब हमारे असाइनमेंट में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किसने दिया, ये सारा लिखना होगा मेरे को इसमें, और क्या आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया वो बताना होगा। इसमें कोई आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशियंट है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भी रहेगा, जैसे कि अगर हमें जो भी असाइनमेंट में दिया जाएगा टॉपिक उससे रिलेटेड हमें उस जो टॉपिक दिया है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना है। जैसे दिया है यहाँ पे हमारा ई फंक्शन और ई वैल्यू, तो ये जो दिया गया है इनको हम लोग को लिखना होगा कि क्या फॉर्मूला है और क्या इसमें कॉन्स्टेंट है, वो सब शो करना है, ठीक है। क्या क्या हमारा इसमें वैल्यूज हैं जिनका वेव फंक्शन है, ये सारा हमको इसमें लिखना होगा। उसके बाद ये चार्ट है ये भी आप बना सकते हैं, जिसमें हमारी वैल्यूज अलग अलग शो की गई हैं, तो ये बना देंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और क्रिएटिव भी लगेगा। उसके बाद ये फॉर्मूला है, इसमें हमें एक्सेप्शनल और ऑब्जर्वेशन वैल्यू पूछी गई, तो वो जरूर मेंशन करिएगा, उसी के मार्क्स हैं इस आंसर के, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग बिहेव फंक्शन, वेल बिहेव फंक्शन, इसका ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं येस और नो वाला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वेल बिहेव वेव फंक्शन क्या है इसको भी एक अच्छे पैरे में आप लिख सकते हैं 2 to 3 लाइंस में। फिर हमारा क्वांटम नंबर की हम बात करें तो चार तरह की थी, प्रिंसिपल एजीमुथल, तो इसमें हमें ये हमारे 2p 3d 4f दिए गए हैं, जिनके आपको शेल्स को बना के वहां पे ऑर्बिटल्स को शो करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग,
जैसे कि हमारा ये 3D इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको निकालना है तो प्लस हाफ होता है, अब उसको कैसे निकालना है वो मेथड शो करें, तो जो भी ऑप्शन में करेक्ट है उसको आंसर पे टिक करिए। तो ये भी अब बहुत ही सिंपल है, 2 to 1 marks में आता है, इसको जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। और हाँ, इसमें जो हम ये जो सीरीज दिखाते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ, ये शो करना बहुत ही जरूरी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोई भी एलिमेंट्स का पूछ सकते हैं, लाइक प्लेटेनियम या फिर कॉपर किसी का भी, तो वो भी शो करना जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ SPDF शेल्स। ओके, तो वो हमारा आंसर कवर करेगा। आगे देखते हैं हम लोग कि हमारा क्या क्या जो भी और क्वेश्चन है, लाइक ये आप देख सकते हैं Mg2+ और MgO, इन दोनों का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना। इसके आयनिक रेडियस हमें दी गई है, क्या दी है, 65 पिकोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैसे मतलब सॉल्व होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, हमको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होगा, क्या क्या नेचर है, और उन सबको इस टेबल फॉर्म में आंसर में दिखाना होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको सबकी वैलेंसी पता होनी जरूरी है, तभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। पोजांस रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, किसने दिया है ये बताने हैं, इसके कौन कौन से पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें जो कैटायंस होती हैं उनकी साइज स्मॉल होती है ना, तो ये सब जो है की पॉइंट्स है जिनको आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। कैटायन जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये आपको मेन एग्जांपल के तौर पे भी आप इन्हें समझा सकते हैं आंसर में। ठीक है, फिर एल्कली मेटल क्लोराइड क्या होते हैं, तो उसमें आपको एल्कली और एल्कलाइन अर्थ क्लोराइड इन दोनों में डिफरेंस भी बताना है, क्यों है, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन 2 लाइंस, और इसका आप कोई अगर अच्छे से आपको डायग्राम या एग्जाम्पल पता है तो वो भी बता सकते हैं। लेविस स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कोई भी स्टेम की, जैसे यहाँ पर हमारा H2OCl CN का पूछा है, तो ये सब आपको इसका भी मतलब बनाना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, आगे देख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग ये देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला दिया गया है, इसको कैसे बनाना है, जैसे हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या शो करना है, इसमें हमें क्या क्या जो साइनाइड आयंस के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो बनाने हैं, उसके बाद और भी सारी चीजें हम तो उसमें शो कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन ऑफ NO मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये हम एनर्जी लेवल डायग्राम में बता सकते हैं, जो कि किससे कैलकुलेट होता है, बॉन्ड ऑर्डर से। ये डायग्राम बनाना मस्ट है, जो भी एलिमेंट का पूछा जाएगा वो आपको बनाना रहेगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछा गया है तो आपको बनाना रहेगा। फिर सिस ट्रांसफॉर्म्स में कौन कौन से हमारे मिथाइल साइक्लोब्यूटेन में कौन सी पोजीशन होती है, तो वो आपको शो करनी रहेगी, सिस की भी और ट्रांस की भी, तो ये दोनों शो करनी होगी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होगा और किसका लोअर होगा, ये इस आंसर का मेन पॉइंट है जो कि आपको इसमें डिस्कस करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें हमारा ये पूछा जाएगा कि क्या इनेंशियोमर्स होते हैं, मतलब जो हमारे इनेंशियोमर्स होंगे वो किस तरह के होंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये आपको दोनों कंपाउंड कोई भी दे सकते हैं, उसमें बताना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फेशियल प्रोजेक्शन यूज होगा, और हमें दोनों ही स्ट्रक्चर्स को अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग शेयर करना होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा असाइनमेंट का पार्ट है वो है, इसमें फिशर प्रोजेक्शन क्या है हमें ये बताना रहेगा, और फिर हम देखते हैं हमारा क्या क्या कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन है, ये जो जो पॉसिबल कंफर्मेशन ब्यूटेन के होंगे वो हमें वहां बना के दिखाने होंगे, और उसके साथ साथ जो भी इसके रिप्रेजेंटेशन ग्रुप होंगे लाइक C1 लाइक C4 जो भी होंगे उनको भी आपको बनाना रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन शो कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज इसका इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से डिग्री का रोटेशन एंगल ये शो कर रहा है वो बनाना मस्ट है इन आंसर्स में, उसी के मार्क्स मिलते हैं ज्यादातर। टीचर आपका जब आंसर चेक करता है तो सबसे पहले यही सब चीजें ढूंढता है। नेक्स्ट हमारा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, जैसे आपसे रीजन टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि इथेनोइक एसिड जो है क्या वो मोर एसिडिक है देन इथेनॉल, क्यों है ना, और है कि नहीं, ये सब आपको आपके आंसर में लिखना ही होगा, इसका मार्क्स मिलता है, इसलिए जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको कोशिश करिएगा अपने आंसर में जरूर बताएं। आगे देखते हैं, एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो अब इसमें आपको बताना होगा क्यों लेस है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन वहां पे प्रेजेंट होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो ये आपको बताना होगा, और क्यों है ये तो आपने बता ही दिया, अगर आपको कोई प्रॉपर फॉर्मूला या डायग्राम या फिर कोई रिएक्शन पता है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा देखने में और टीचर मार्क्स भी आपको अच्छा देगा। फिर विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स इसमें हम देख सकते हैं, जैसे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एसिड और बेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जब आप एक बार अच्छे से एसिड बेस एक्सप्लेन कर देंगे देन आपको क्या बताना होगा, कंपेरिजन करना होगा, मीन्स बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बीच में कंपेरिजन करना होगा, जब आप दोनों के बीच में अच्छे से कंपेरिजन करेंगे तो आप बता पाएंगे कि दोनों में से कौन सा जो है हमारा ज्यादा एक्टिव है, तो ये आपको आंसर में इसमें अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा, इट इज वेरी इजी। ठीक
ठीक है। अब इसमें हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में अगर बताएंगे तो वो क्या होता है, हमें वो बताना है। बेसिसिटी के बारे में बताना है तो वो क्या है, वो बताना है। तो बेसिकली पता ही है, बेसिसिटी एक एबिलिटी होती है जो एक्ट करती है एज अ बेस, ठीक है। और इसके बारे में आपको जितना भी बेसिसिटी या बेसिस के बारे में पता है वो बता सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे वो बता सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका एग्जाम में भी बहुत आता है कि हमेशा कोई भी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन या एल्कीन किसी का भी एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको इसकी रिएक्शन के साथ साथ इसका जो थ्योरेटिकल चीज है वो भी लिखनी रहेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन दिया है तो उसकी रिएक्शन लिखनी होगी, और साथ ही साथ उसके हमको क्या लिखना होगा, उसके जो थ्योरी पार्ट है वो भी लिखना होगा। थ्योरी पार्ट आप कंपोनेंट्स जो भी यूज होंगे उनको लिखकर अपनी रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें जो भी पॉइंट पूछे जाते हैं, प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है वो भी बता सकते हैं। पायरोलिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये आपको हर अपनी रिएक्शन जिसमें भी एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है या कुछ भी यूज हो रहा है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ मोनो मीन्स एंड डाइन, मोनो मीन्स और डाइन होता क्या है, उन दोनों के स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या उसमें डबल बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ये दोनों डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे पैरा फॉर्म में लिखते हैं, तो ट्राई टू डू कि आप इसको पॉइंट्स में लिखें क्योंकि इट्स वेरी इफेक्टिव। आप स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं डाइन्स के, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, आइसोलेटेड डाइन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ये भी एक होता है क्यूमुलेटेड डाइन, बट बेसिकली हमारे आइसोलेटेड डाइन्स होते हैं और कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं, ये दो तरह के हमारे डाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि जो हमारा बॉन्ड्स होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं। सिस पोजिशन, ट्रांसपोजिशन, ये हमें देखने को मिलता है। फिर एक्सप्लेन मार्किनीस रूल्स, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, हमारा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है 5 to 6 मार्क्स में। इसमें हमारे जितने भी लाइक CLBr, आयोडीन, ये जितने भी हमारे हमारे एसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट होते हैं उन सबको कैसे हम कोई भी एल्कीन के साथ ऐड करके अपनी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराते हैं वो देखते हैं। मार्कोनीस रूल बच्चे 11 से पढ़ के आने सबको ही याद होगा, तो वो उसको उसका एक्सप्लेन करना है, चाहे तो आप इसमें रिएक्शन भी अपनी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। 11th 12th में सबसे ज्यादा एग्जाम में हमारा मैकेनिज्म ही पूछा गया, और बहुत से बच्चों ने इसे रटा भी होगा। तो ये क्या होता है, हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइन्स की जैसे पूछ ली गई है, तो इसमें आपको आपको प्रॉपर रिएक्शन लिखनी होगी और उसी रिएक्शन को किसमें वर्ड्स के फॉर्म में लिखना होगा, तो वो हमारा मैकेनिज्म का पार्ट होगा। कोशिश करिएगा रिएक्शन अच्छे से तैयार करिएगा, अगर रिएक्शन आपकी तैयार है तो आप थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ हमें मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स दिए गए लाइक फिनाइल वन ऑक्टेन, तो क्या स्ट्रक्चर्स हो सकता है उसका, कोई ब्रोमोटोलिन, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, कोई भी एक स्ट्रक्चर आपके असाइनमेंट और एग्जाम दोनों का ही पार्ट बन सकता है। ये सब हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम सब पढ़ के आ रहे हैं, और ये सारे यूनिट से सराउंडेड है, तो इसलिए आपको अगर आप अच्छे से इसको लगाते हैं तो आपका पेपर भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हाँ, हम लोग का ये बेसिकली 20 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीटेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट के हमारे 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से लगाना है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, बट एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा कि इन सबको कैसे करना है। मैंने वैसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसा आपको अपना असाइनमेंट क्रिएटिव करना है ना। कोशिश कीजिएगा मार्जिन ड्रॉ करिए, यूज ऑफ ब्लैक स्केच थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और इन आंसर्स को जब अटेम्प्ट करें तो कोशिश कीजिएगा लर्न करें, जिससे कि वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। बाकी का जो भी रहेगा आगे का चैनल वीडियो में, वो मैं आपको लिंक सेक्शन में मिल जाएगा, आप सब ज्वाइन करके देख लीजिएगा।